नाजरीन आदाब। न्यूज एक्सप्रेस देखने वाले तमाम नाजरीन का न्यूज एक्सप्रेस उर्दू खबरों में खैर मकदम करते हैं। निजामाबाद में इलाज के नाम पर एक दरिंदा सिफत हैवान ढोंगी बाबा की खवातीन ने जबरदस्त पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि निजामाबाद में एक ढोंगी बाबा ने इलाज के लिए आई हुई एक 13 साल मासूम लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाते हुए मुसलसिल इसका जिंसी इस्तेहसाल कर रहा था और इस बात का इल्म जब हुआ जब लड़की ने पेट में दर्द होने की शिकायत जाहिर की तो अफरादे खानदान ने इसको दवाखाना लेकर इसका मुआयना करवाया तो पता चला कि ये 3 माह की हामिला है, जिस पर अफरादे खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और लड़की ने ढोंगी बाबा शिव प्रसाद की करतूत बता दी। इसने इलाज के बहाने अंदर ले जाकर इसको बेहोश कर इसकी अस्मत रेजी करता था। बाद हजा मुतासरा खानदान ने ख्वातीन तंजीमों से रब्त पैदा करते हुए तमाम हकायक से वाकिफ करवाया। इसके बाद ख्वातीन ने इस ढोंगी बाबा की तफसीलात जानने की कोशिश की, जिस पर ढोंगी बाबा ने ख्वातीन को ही बदजुबारी करने लगा, जिस पर ख्वातीन ने इस ढोंगी बाबा की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस को तलब करते हुए इसको गिरफ्तार करवा दिया। जबकि मुतासरा लड़की ने ढोंगी बाबा के तालुक से बताया कि ये किसी को बोलने पर इसके अपराधे खानदान को खत्म करने की धमकी देता था। निजामबाद से हमारे न्यूज ब्यूरो मोहम्मद अकील अहमद की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर DMHO डॉक्टर वसंत राव ने अस्तानूर मंडल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा किया और मुख्तलिफ रिकॉर्डों का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने मुकामी अहदेदारों को हिदायत दी के कोरोना वायरस के अलामत वाले हर एक फर्द के लिए कोरोना टेस्ट करवाए जाना जरूरी है और हर रोज तशखीसी टेस्ट करवाए जाए। इस मौके पर PHC डॉक्टर सुभाष, फार्मासिस्ट सदानंद गौड़, लैब टेक्नीशियन विनोद, मेडिकल हेल्थ स्टाफ बासित, शफीक अहमद, शारदा, आशा वर्कर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। तानूर से हमारे नुमाइंदे शकील अहमद की रिपोर्ट। अब क्यों नहीं सोचते गवर्नमेंट कभी एक तरीके से ना एम्बुलेंस को तो रेड ओवर्स अंटे नथिंग दिस इज लाइक द आरसीसी इफ यू आर इंटरेस्टेड वी विल कीप अदरवाइज वी विल किक यू। मेडिकल को क्या करता है ये तो मेरे 15 वीडियो का 20 इवन प्लेस है तो डेबिट इतना कर जरगा ला सुन ए विनोद सर न्यू गाइड डेबल गेस्ट टू आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द जियोलॉजी सेंटर कल्पना मैडम
बैठो। अरे भैया बदल बैठो। सो इवे ఇక్కడ తానూరు లో ఫస్ట్ నుంచి కూడా మన డిస్ట్రిక్ట్ లో మొదటి ప్లేస్ లో ఉంటది డెలివరీస్ ఎక్కువ అవుతున్నది. అదే విధంగా ఇంకా డెలివరీ పెంచుకోవాలి. స్టార్టింగ్ లో కరోనా ఎక్కువ ఉండేది కాబట్టి భైసా ముఖలిఫ్ అపోజిషన్ జమాతో కే ఖైదీన్ జిన్మే రాజు ప్రేమ్నాథ్ రెడ్డి రామచందర్ రెడ్డి లక్ష్మణ్ ఆర్ ఏఐకేఎంఎస్ కే జిలే ఖైదీన్ గైక్వాడ్ గంగాధర్ డినాజీ మతీనా కే ఇలావా దిగర్ నే ఆజ్ భైసా జిలే మార్కెట్ కా దౌరా కర్తే హువే पानी से मुतासिरा जिरे पैदावार का मुआयना किया और इस मौके पर हुकूमत फौरी तौर पर कम से कम सपोर्ट कीमतों का एक्ट लाए, तमाम खराबशुदा फसलों को कम से कम इमदादी कीमतों पर खरीदे, भारी बारिश से तबाहशुदा फसलों का मुआवजा दे, आजारना तिजारत खत्म करें, अशय जरूरिया में तरमीम करें और मुआयदा के खवानीन को रोकने का मुतालबा किया। बाद हजार जिला मार्केट औदुद्रान को एक तहरीरी यादाश्त पेश की गई। వర్షాల తో నష్టపోయిన పంటలకు నష్ట పరిహారం చెల్లించాలి. అధిక వర్షాలతో నష్టపోయిన రైతులకు నష్ట పరిహారం. అఖిల భారత రైతు పోరాట రైతు సంఘాల పోరాట సమితి పదిన్నారి. అఖిల భారత రైతు సంఘాల పోరాట సమితి పదిన్నారి. మనకు అసలే గిట్ దిగుబడి రాలే, నష్టం జరిగింది. మనం ఇన్సూరెన్స్ కడుతున్నాం, ఫస్ట్ అయితే ఇన్సూరెన్సే వస్తలేదు, కఠిన వస్తలేదు, ఇప్పుడు అయితే చాలా మంది కడతలేదు. ఎందుకంటే మంచితం అయిపోయింది, ఎందుకంటే బలవంతంగా మనకు వచ్చి దానికెళ్ళే కట్ అయ్యేది. మన గ్యాస్ నెంబర్ అర్థం చేసుకుంటే కట్ అయ్యేది, అది కూడా రాదు చాలా మందికి. ఇప్పుడు ఒక లీటర్కి అట్లే రాలేదు. ఇప్పుడేమో మనము మనకు కూడా అది అవగాహన లేదు, ఫస్ట్ అది లేదు, కట్టట్లేదు. అఖిల భారత రైతు సంఘాల సమన్వయ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఉదోర్ కాన్స్కి సంబంధించినటువంటి రైతు కలిసి మేము మార్కెట్ కమిటీ సెక్రటరీ గారికి అభ్యర్థన పత్రం కూడా జరిగింది. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం शदीद बारिश की वजह से कुंटा एरिया में एक मकान की दीवार अचानक मुनद्दम हो गई, जिसकी वजह से मकीनों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया था और किसी तरह मकीनों ने अपने आप को महफूज किया। बताया जाता है कि शेख खलील नामी शख्स का मकान की दीवार अचानक बारिश के दौरान जोरदार आवाज के साथ जमीन दोस हो गयी। बाद हजार भैंसे ने मुनहदम मकानात का जायजा लेने के लिए कांग्रेस माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी एम ए लतीफ और NSUI जिला कायद अमजद शेख के अलावा दिगर ने मुतासरा मकान पहुंचकर मुतासरा अफराद से मुलाकात करते हुए इन्हें हर मुमकिन ताउन देने का ऐलान किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मुतासरा मकान का मुआयना करते हुए इन्हें मुआवजे की फ्राहमी के इकदाम किए जाए। आज यहाँ आने का मकसद, भैंसा शहर एक नंबर वार्ड में यहाँ आने का मकसद, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हम यहाँ विजिट हुए। यहाँ आने का मकसद कल तमाम तेलंगाना के अजला में बल्कि भैंसे में भी यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, कुदरत का कहर होने की वजह से, गरज और चमक के साथ बिजलियों का गिरना और बारिश होने की वजह से आज भैंसा शहर के एक नंबर वार्ड के हमारे खलील इनके घर की दीवार आज यहाँ आप देख सकते हैं ये पानी की वजह से गिर गई है। तो ये भैंसा शहर नहीं बल्कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बल्कि अखबारात में भी पढ़ रहा हूँ, पूरे तेलंगाना के अंदर बहुत जगह जो है बारिश ज़्यादा होने। जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने
आज अपने दफ्तर से किसान प्लेटफॉर्म की तामीर की पेशरफ्त पर एमपीडीओस, महकुमा ज़राअत और पंचायत राज के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकाम को किसान प्लेटफॉर्म की तामीर मुकम्मल करने के लिए इकदाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा कि देही तरक्की के हिस्से के तौर पर शुरू किए गए किसान प्लेटफॉर्म्स की तामीर का काम कल तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। जिले के लिए मंजूर शुदा 81 किसान प्लेटफॉर्म्स में से अब तक 35 मुकम्मल हो चुके हैं। इन्होंने इंतबाह दिया कि तामीराती कामों में मियार की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपने फराइज में गफलत बरतने वाले अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरकड़े, जिला परिषद के सीईओ सुधीर, जिले सूरत के अफसर अंजीर प्रसाद, पंचायत राज महकुमा ई सुदर्शन राव और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। निजामाबाद में गुज़िश्ता दिनों कबल कुल जमाती जिम्मेदारान पर मुश्तमिल एक तहफ़्फ़ुज़ वक्फ इराज़ियात की एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें तमाम मकतब फिक्र के जिम्मेदारान शामिल हैं। और आज इस कमेटी का एक मुशावरती इजलास मुनाकिद हुआ। इस इजलास में सदर कमेटी हाफिज लायक खान के अलावा दिगर जिम्मेदारान और मेबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर निज़ामबाद में वक्फ अराजियात और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ पर मशावरात की गई और आगे का लाए अमल तैयार किया गया। इस मौके पर जिम्मेदारान ने मुसलमानों से अपील की कि वो इस कमेटी के साथ अपना ताउन बनाए रखें। इस मौके पर यह तय किया गया है कि सेक्रेटरीट के शहीद मसाजिद के लिए अनखरीब जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। निज़ामबाद से हमारे न्यूज ब्यूरो मोहम्मद अकील अहमद की रिपोर्ट। इसके बाद आज एक पहला मुशावरती इजलास है कि इस मस्जिद की बाजियाबी के लिए हम सबको अब मुनज़्ज़म लाए अमल तैयार करने की ज़रूरत है। उससे पहले हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। 2002-2001 में तक वहाँ पर मस्जिद थी। जब उसका कलेक्ट्रेट का तामीरी काम हुआ तो वो मस्जिद शायद नमाजों की उसके अंदर अदम अदायगी की वजह से पूरा कलेक्ट्रेट एक साथ बना दिया गया उसकी इमारत। उस वक्त कुछ लोगों ने तहरीक चलाई और आवाज़ उठाई। उसके बाद फिर उन्होंने फिर मस्जिद के नाम के साथ तहरीक का आगाज किया है और फिर सबको एक जगह जमा किया है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह इस कोशिशों को आपकी हमारी जिद्दोजहद और खुलूस को हमारे जज्बे से करे और उस मकाम पर वो जो हम चाहते हैं कि जहाँ मस्जिद बने तो अल्लाह बहुत जल्द ऐसा मतलब दिखाए कि उस मस्जिद उस मकाम पर मस्जिद नजर आए, मस्जिद की मेहराब नजर आए। ये बात भी है और काफ़ी लोग हैं सबके पास जो रिकॉर्ड है उसका, तो ये जो मस्जिद के लिए जो कमेटी बनाई गई है, मैं तेलंगाना की हुकूमत से जो है जितना हो सके उतना हमारे MLA साहब से हो, कविता साहबा से हो, मैं ये कोशिश करूँगा कि इस मसले को हिम्मत अमली से हाफिज साहब खैरिया इधर इधर जमीयतुल उलमा हिंद आदिलाबाद के जिम्मेदारान के एक वफद ने आज आदिलाबाद के उटनूर, इच्चोड़ा और नरेडी गुंडा का दौरा करते हुए यहां के मुकामी जमीयत के जिम्मेदारान को मेंबर साजी के रसायद हवाले किए। जमीयतुल उलमा हिंद आदिलाबाद महमूद मदनी के जिम्मेदारान, जिनमें कारगुजर सदर हाफिज अबू बकर की क़ियादत में मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा मजाहरी, हाफिज मंजूर अहमद, हाफिज अब्दुल अहद, मौलाना अजहर अशायती, हाफिज हुसैन मोहसिन सरान के हमरा आदिलाबाद के मंडल्स का दौरा करते हुए मुकामी जिम्मेदारान से जमीयत की ज्यादा से ज्यादा मुकामी अवाम को रुकन बनाने की हिदायत दी गई।
इस मौके पर कारगुजार सदर जमीयतुल हाफिज अबूबकर ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क व मिल्लत के तहफ्फुज़ इस्लाम और इस्लामी शायर इबादत गाहों की हिफाजत और आफत समावी व अराजी से मुतासर अफराद की इंसानी इरदार पर मदद और अमन व अमान की बखा व तहफ्फुज़ के लिए सबसे आगे रहने वाली जमात जमीयतुल उलमा हिंद है। आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे हाफिज खिजर याफी की रिपोर्ट। उर्दू में जनाब हुसैन सालम साहब और इचोड़े में जनाब मौलाना अब्दुल करीम साहब और केरल मुद्दे में मौलाना शकील साहब के जिम्मेदारी सौंपी गई और उनको मेम्बरशिप की बुक हवाले की गई और ये जमीयतुल उलमा की रिफाई तंजीम है जो हर वक्त ने रिफाही कामों के लिए अपने आप को आगे रखती है। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है जमीयत के नुमाइंदे पहुँचकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह इम्कान कोशिश करती है। अल्हम्दुलिल्लाह रियासती सदर जनाब हाफिज़ की शफीर अहमद साहब की हिदायत पर आज जमीयत के वफद ने इन ज़िले आदिलाबाद के उदनौर इचोड़ा रेलकुंडा पहुँच कर मेम्बर साजी की बुक के उनके हवाले किए और इस वफद में शामिल जनाब हाफिज़ साहब मौलाना मुफ्ती मुस्तफ़ा साहब हाफिज हसीनुद्दीन साहब और जनाब महसन साहब और जनाब मौलाना अजहर साहब और जनाब हाफिज अब्दुल अहद साहब ये नुमाइंदा वफद में। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी गजेंद्र यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत बीसी तबके को खर्च की फ्राहमी के ताल्लुक से एक वाइट पेपर जारी करे। इसके अलावा बीसी तबके को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा तमाम मरातों को अलहदा तौर पर फ्राहमी के इकदाम करें। ये आज भैंसे के पद्मशाली संगम भवन में मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने तमाम पसमानदा जातों से अपील की के वो मुत्तहिद हो जाए और मशारती व इक्तसादी तरक्की के लिए जदोजहद करें। इन्होंने कहा कि रियासत में लगभग 6 लाख अफराद ने कर्जों के लिए दरख्वास्त दी है और अब तक किसी हुकूमत ने कर्जों की मंजूरी नहीं दी है और इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो तमाम अफराद को फौरी तौर पर कर्जे फराहम करें। तानूर से हमारे नुमाइंदे शकील अहमद की रिपोर्ट। భౌతిక దూరం పాటిస్తూ మాస్కులు ధరించి 100 మంది సదస్సుల్లో పాల్గొనాలని వారి పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలని జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం అందరికీ విన్నవిస్తున్నారు. అయ్యా, ఈరోజు 4 సంవత్సరాలు ఆగ్రకుల పార్టీలు జెండలు పక్కబెట్టి మన బీసీల జెండా మోయాలని కూడా ఇలా ప్రజాప్రతినిధులకు 112 బీసీ కుల నాయకులకు మహిళలకు అక్కలకు రచయితలకు కళాకారులందరికీ పేరు పేరిన ఉద్యమ వందనాలు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి మండలంలో ప్రతి గ్రామంలో మనం ఒక కమిటీ వేసుకొని మేమెంత మాకెంత వాట కావాలి ఇవాళ సర్పంచ్ నుంచి మండల అధ్యక్షుడి దాకా జడ్పీ దాకా వెళ్ళాము. కానీ మనము జనాభాలో 60% ఉండి మన ముఖ్యమంత్రి పదవులకు వెళ్ళకపోవడం వల్ల మన దగ్గర అనేకత ఉంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మహానీయుల చరిత్ర ఇలా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగము గురించి మహాన్ అందరూ సెమినార్ జరుగుతుంది. దాని భాగంగానే మహిళలు యువకులు రైతులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరికీ హాజరు కావాలని పేరు పేరిన వాళ్ళకు విన్నవిస్తున్నాను. ఇది త్వరలోనే అక్టోబర్ మాసంలోనే మేము పెడతాము. ప్రతి ఒక్కరూ ఇలా నా పేరు నమోదు. నాజరీన్, ఏ థి అబ్ తక్ కి ఖబరే జెఎస్ఎస్ డిజిటల్ నెట్వర్క్ దేఖనే వాలే తమామ్ నాజరీన్ ఎస్ఎస్ ఛానల్ నంబర్ 13 జెఎస్ఎస్ మూవీస్ ఛానల్ పర్ రోజానా న్యూస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉర్దూ ఖబరే శామ్ 9:30 और सुबह 8:30 देख सकते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर देखने वाले हमारे नाजरीन न्यूज एक्सप्रेस की खबरें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज एक्सप्रेस BNS को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जबकि हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर न्यूज एक्सप्रेस BNS को फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।